नमस्कार दोस्तों मैं हूं तर आप रहे, देर डेयर तो आज इनफिनिक्स ने इंडिया में लॉन्च कर दिया उनका नेक्स्ट बजट कैटेगरी स्मार्टफोन विच इज इनफिनिक्स स्मार्ट सिक्स प्लस ये वाला जो स्मार्टफोन है विच इज एक्सक्लूसिवली अवेलेबल ऑन फ्लिपकार्ट एट द लॉन्च प्राइस ऑफ सेवन थाउजेंड नाइन हंड्रेड एंड नाइनटी नाइन रुपीज बाद का प्राइस या फिर अगर कोई कार्ड डिस्काउंट है उसके बारे में डिस्क्रिप्शन में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा बॉक्स का पैकेजिंग जिस प्रकार का स्मार्ट सिक्स प्लस अगर हाईलाइटिंग फीचर देखा जाए यू विल गेट सिक्स पॉइंट एट टू इंच एच जी डी प्लस डिस्प्ले विव हंड्रेड डेट ऑफ ब्राइटनेस एंड तीन जीबी रैम सिक्सटी फोर जीबी इंटरनल स्टोरेज पीछे कुछ हाईलाइटिंग फीचर है स्टार्टिंग फ्रॉम एच जी डिस्प्ले अप टू सिक्स जीबी रैम जी विच इज वेरी सरप्राइजिंग एट इट्स प्राइस पॉइंट फाइव थाउजेंड एमच बैटरी

बट एक प्रॉब्लम मैंने नोटिस किया है फर्स्ट ऑफ ऑल ये शाइनी है उसकी वजह से क्या होता है फिंगरप्रिंट मैग्नेट है जी हां एंड अगर आप कोई कवर इस्तेमाल नहीं करेंगे ये आसानी से स्क्रैच पड़ जाता है तो ये एक चीज़ आपको ध्यान में रखना पड़ेगा मुझे हल्का फुल्का स्क्रैचेस दिखाई दिया बिकॉज पहले दो दिन मैंने बिना कवर के इस्तेमाल किया था ये मेरा गलती है बट बाकी ओवरऑल प्रेजेंटेशन बहुत बढ़िया स्पेशली लड़की लोग को बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि आप लोग डायरेक्ट उसको मिरर की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं दैट लुक्स रियली गुड डिजाइन नो डाउट बहुत बढ़िया है यहाँ पर आपका राउंड इस एजेस है दैट इज ऑल्सो पेटी गुड नीचे अगर देखा जाए यहाँ पर बॉटम फाइन स्पीकर मिलता है माइक्रो यूस पोर्ट पोर थ्री पॉफ्रेड हेडफोन जैक And main microphone right side will the volume rockers and power. लॉक एंड अनलॉक बटन लेफ्ट साइड पे सिम ट्रे मिलता है जहां पर आप डुअल सिम एंड एक डेडिकेटेड माइक्रोस्टिक कार्ड लगा सकते हैं जैसे मैंने बताया इंटरनल आपको सिक्सटी फोर जीबी का मेमोरी कार्ड मिलेगा पीछे अगर देखा जाए डुअल कैमरा के साथ साथ फ्लैश है एंड रियर माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर है जी बजट कैटेगरी साउथ माउंटेड जनरली नहीं रहता रेयर माउंटेड अच्छा लगता है काफी दिन बाद मैंने देखा बात करते हैं डिस्प्ले के बारे में एक सिक्स पॉइंट एट टू इंच का एच डी प्लस रेजोल्यूशन डिस्प्ले दिया गया विद वॉटर डॉट नॉच के अंदर आपको कैमरा मिलता है एंड यहाँ पर ब्राइटनेस देखा जाए अप टू फाइव हंड्रेड इसका ब्राइटनेस मिलता है मैंने आउटडोर में इस्तेमाल किया मुझे वैसा कोई दिक्कत नहीं हो ना ऑटो ब्राइटनेस का ऑप्शन भी अवेलेबल है तो आप आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं मुझे वैसा कोई दिक्कत नहीं हो डे टू लाइफ में डिस्प्ले काफी अच्छा रिस्पॉस किया है सिक्सटी हर्ट का पैनल है कलर काफी बढ़िया है इवन अगर आप इंटरटेमेंट परपज इस्तेमाल करना चाहते हैं मतलब अगर आप बहुत ज्यादा वीडियो देखते हैं आप यूट्यूब में फुल एच डी सिक्सटी ए तक वीडियो प्ले कर सकते हैं वीडियो व्यूइंग एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया है मुझे वैसा कोई दिक्कत नहीं हुआ ओवरऑल प्राइस रेंज के हिसाब से इन्होंने काफी बड़ा एंड काफी एक अच्छा डिस्प्ले प्रोवाइड किया है यहाँ पर इंटरनली तीन जी का रैम एंड सिक्सटी फोर जी का ऑनबोर्ड स्टोरेज मिलता है जिसको आप मेमोरी कार्ड की मदद से बढ़ा सकते हैं बट द गुड थिंग इज दैट यहाँ पर मेमोरी फ्यूशन ऑप्शन अवेलेबल है जो आपने हायर एंड इन्फिनिक्स डिवाइस देखे होंगे तो मेमोरी फ्यूशन की मदद से क्या होता है तीन जी रैम को आप अप टू सिक्स जी तक बढ़ा सकते हैं विच इज़ रियली गुड इससे क्या होता है आपके फ़ोन के परफॉर्मेंस को और इफेक्ट पड़ेगा एंड काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस के साथ आप अपने फोन को इस्तेमाल कर पाएंगे तो दिस इज अ वेरी गुड मूव एट इट्स प्राइस पॉइंट सो ये रहा यूजर डिवाइस यहाँ पर आपको क्या मिलता है वो जाने के लिए आपको जाना पड़ेगा थोड़ा बहुत सेटिंग्स में एंड माई फोन के अंदर आपको मिल जाता है एवरी थिंग एक्चुअली इज रनिंग ऑन एंड्रॉड ट्वेल्ल बट ये गो एडिशन है वो एक चीज़ आपको ध्यान में रखना पड़ेगा इट्स नॉट नॉट ए फुल फ्लेज एडिशन एंड बाकी का देखा जाए नॉर्मली लगता है तो ज़्यादा कुछ डिफरेंस यहाँ पर नहीं लगता है एव इंस्टॉल कपल ऑफ एप्स एज आई एम यूजिंग इट एज माई प्राइमरी डिवाइस फॉर मोर देन फोर्टी एट आवर्स एक्चुअली ट्रांजेक्शन से लेकर सब कुछ मैं जनरली यहाँ पर करता हूँ सोई यूज लॉट ऑफ़ एप्लीकेशन एक्चुअली और जनरल इस्तेमाल करने के लिए मुझे वैसा कोई अभी तक यहाँ पर दिक्कत नहीं हुआ यू कैन ईजिली एक्सेस ऑल ऑफ़ योर फेवरेट एप्लीकेशन दैट डेफिनेटली यू कैन यूज़ एंड उसके साथ साथ मल्टीपल एप्लीकेशन भी आप यहाँ पर एक्सेस कर पाएंगे थैंक्स टू दैट एक्सटेंडेड सिक्स जी बी रैम सो दैट्स ए बेट ए गुड थिंग तो ओवरऑल जैसे फियरली यहाँ पर रिसेंट है उसके साथ साथ मैं अगर देखता हूँ कुछ अप्लीकेशनस यहाँ पर Uh, जो बेसिक कुछ एप्लीकेश्स है दो सर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड मैंने कुछ कुछ एप्लीकेश्स है बट स्टैंडर्ड है ज़्यादा कुछ ब्रॉडवेयर नहीं है और मैंने इनिशियली भी देखा है ज्यादा कुछ ब्रॉडवेर यहाँ पर था नहीं सो ओवरऑल बजट के हिसाब से आपको एक काफ़ी फ्लुएंट एक्सपीरियंस यहाँ पर मिलेगा जो बैटरी है उसको टेस्ट करने के लिए मैंने अपने प्राइमरी सिम को इस डिवाइस में डाला एंड आई एम प्राइमरी स्विच किया था उसके साथ, साथ इसका बैटरी परफॉर्मेंस कैसा होगा तो सारा दिन इस्तेमाल करने के बाद भी लगभग ट्वेंटी बैटरी बाकी था एंड मुझे लगभग फाइव आवर्स फोर्टी मिनट के आसपास स्क्रीन ऑन टाइम मिला विच इज रियली गुड ट्वेंटी मतलब मैं ओवरनाइट रख के अगले दिन भी थोड़ा बहुत मैं इस्तेमाल कर पाया बट हाँ उसको

जो इस बजट रेंज में अगर देखा जाए बहुत ही रेयर है तो कैमरा परफॉर्मेंस जाने से पहले मैं आपको थोड़ा बहुत दिखा देता हूं कैमरा यूजर इंटरफेस कैसा है यहां पर ए कैमरा मिल जाता है उसके बाद आपको मिल जाता है वीडियो मोड मोड देन टाइम पर ब्यूटी ऑप्शन अवेलेबल है पोर्ट्रेट अवेलेबल है एंड ए शॉट आर अवेलेबल अगर नीचे से ऐसे ऊपर आप स्वाइप करेंगे तो यू विल गेट ऑल द ऑप्शंस लाइक टाइम लैब्स वीडियो एआई कैमरा ब्यूटी पोर्ट्रेट ए शॉट शॉर्ट है ना यहाँ पर स्लो मोशन वीडियो ऑप्शन अवेलेबल नहीं है एंड वीडियो के अंदर आप फुल एच में वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ द सेल्फी कैमरा सेल्फी कैमरा भी आप फुल एच में वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं अगर कैमरा परफॉर्मेंस देखा जाए रियर कैमरा से आप अच्छे खासे फोटो शूट कर पाएंगे अगर लाइटिंग कंडीशन अच्छा है इस प्राइस रेंज के हिसाब से आपको काफी अच्छे फोटोज निकाल के देता है विच इज रियली गुड और बाकी यहाँ पर आपको बहुत सारे अलग अलग ऑप्शन दैट डेफिनेटली यू कैन यूज मैंने थोड़ा बहुत जितना इस्तेमाल किया हि आर द सैप्ल्स एज यू कैन सी लो लाइट में भी इस प्राइस रेंज के हिसाब से ठीक ठाक आपको फोटो दे देता है जहां तक सेल्फी कैमरा का सवाल है फाइव मेगा पे सेल्फी सरप्राइज में एक्चुअली काफी अच्छे फोटोज आते हैं सोशल मीडिया जी फोटो आते हैं एंड ये जो कैमरा डेफिनेटली आप ऑनलाइन स्टडीज में अगर आप वीडियो कॉलिंग करते हैं ये सबके लिए ये वाला फोन बहुत बढ़िया है आपको कोई भी दिक्कत नहीं

तब ये जो नॉइज़ आपको थोड़ा सा लग रहा है वो नहीं लगेगा क्योंकि तब लाइटिंग कंडीशन अच्छा रहेगा अभी लाइटिंग कंडीशन थोड़ा सा डल है सो so, ये है सेल्फी कैमरा वीडियो एंड यहाँ से आप फुल एच में रिकॉर्डिंग कर सकते हैं एंड कुछ इस प्रकार का वीडियो आ गया एज़ यू कैन सी यहाँ पर लाइटिंग कंडीशन काफ़ी कम है फॉर द टाइम थोड़ा सा शाम का मौसम है थोड़ा आर्टिफिशियल लाइटिंग है तो कुछ इस प्रकार का आपको वीडियो, वीडियो मिलेगा फ्रॉम दिस सेल्फी कैमरा प्रोसेसर का सवाल है, मीडिया हिलियो जी ट्वेंटी का प्रोसेसर विच इज बजट कैटेगरी प्रोसेसर एंड डेफिनेटली ये वाला फोन तो आप हाई एंड परफॉर्मेंस के लिए नहीं लेंगे डेली एक्टिविटीज सोशल मीडिया कैमरा हल्का फुल्का गेमिंग ये सभी चीज इस प्रोसेसर में कर सकते हैं एंड थैंक्स टू दैट एडिशनल रैम जिसके वजह से परफॉर्मेंस थोड़ा सा बेहतर होता है जी हाँ जो तीन जीबी का रैम एक्स्ट्रा आपको मिलता है वो क्या हेल्प करता है जो डेली एसेंशियल वर्क है जो बाय डिफॉल्ट एप्लीकेशन है वो जब आप चलाते हो तो वो जो एडिशनल रैम है उससे इस्तेमाल होता है जब आप थोड़ा सा हैवी काम करते हो तब तीन जीबी का रैम दिया गया उससे इस्तेमाल होता है इससे क्या होता है काम डिवाइड हो जाता है आप मल्टीपल एप्लीकेशन इस्तेमाल कर पाएंगे तो उसके वजह से आपका परफॉर्मेंस थोड़ा सा बेहतर मिलेगा बट हाँ इट्स नॉट ए हाई एंड प्रोसेसर नॉट ए गेमिंग प्रोसेसर स्टैंडर्ड इस्तेमाल करने के लिए ऑनलाइन स्टडीज के फिर कैशुअल इस्तेमाल करने के लिए प्रोसेसर में दम है कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगा डिवाइस में एक फैन स्पीकर मिलता है जहां पर डीटीएस साउंड का सपोर्ट है here is the sample. तो जैसे आपने सैंपल सुना साउंड काफी अच्छा है मतलब सिंगल बॉटम फैन स्पीकर है लेकिन फिर भी आपको अच्छा खासा लाउड साउंड मिलता है इस डिवाइस में आपको मिलता है मतलब एक्सलोरिटर लाइट सेंसर प्रॉक्सिमिटी सेंसर एंड स्टेप काउंटर तो बजट डिवाइस से ज्यादा सेंसर तो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते यही चार पांच सेंसर से आपको मिलता है ये चीज काफी अच्छे क्या इवन काफी टाइम से कर रहा है बजट कैटेगरी फोन में हम लोग देखते हैं कि फिंगरप्रिंट स्कैनर मिसिंग होता है लेकिन यहां पर इन्फिनिक से दोनों चीज दिया है। यहां पर आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलता है उसके साथ साथ फेस अनलॉक का भी फैसिलिटी मिलता है जो फेयरली डिसेंट है काफी अच्छा है प्राइस के हिसाब से तो ये दोनों सिक्योरिटी आपको मिल जाएगा एंड फिंगरप्रिंट स्कैनर मैंने देखा इट्स वॉक्स टेन आउट ऑफ टेन कोई भी दिक्कत नहीं होता काफी फास्ट एंड एक्यूरेट मैं इस फोन को इस्तेमाल कर रहा हूँ इज वि मोर देन फोर्टी आवर्स एज माई प्राइमरी डिवाइस एंड तीन दिन से ऊपर है ये वाला डिवाइस मेरे पास है अगर मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ डेफिनेटली मैं एक हाई एंड फोन इस्तेमाल करता हूँ उसके बाद मैंने इस फोन में आया हूं तो थोड़ा बहुत कम ज़्यादा लगेगा बट अगर प्रैक्टिकली मैं कुछ कुछ चीज़ बताऊँ फर्स्ट ऑफ इसका डिजाइन एंड बिल्कुल भी बहुत बढ़िया है बट हाँ जैसे शाइनी बैक है तो उसका एक पॉजिटिव पार्ट भी एक नेगेटिव पार्ट है थोड़ा प्रीमियम भी लगता है लेकिन उसके हिसाब से आपको कवर भी लगाना पड़ता है फिंगरप्रिंट पैचेस या फिर हल्का फुल्का स्क्रैच तो ये सब चीज आपको ध्यान में रखना पड़ेगा और तो थैंक्स एक अच्छा सा स्क्रीन गार्ड मतलब बैक कवर दिया है उसके वजह से आपका डिवाइस प्रोटेक्टेड रहेगा दूसरा चीज है इट्स अ वेरी गुड डिस्प्ले एट इट प्राइस पॉइंट एंड वैसे बहुत सारे कम ब्रांडेड जो इस टाइप का डिस्प्ले देता है तो वो एक चीज काफी अच्छा लगा जनरल परफॉर्मेंस काफी बढ़िया हल्का प्रोसेसर थोड़ा सा बेहतर मिलता तो मैं ज्यादा खुश होता बट ठीक है जनरल परफॉर्मेंस के लिए प्रोसेसर भी ठीक है बैटरी परफॉर्मेंस इज रियली गुड एज आई सेड आई गेट नियरली सिक्स आवर्स ऑफ स्क्रीन ऑन टाइम

द फर्स्ट इंप्रेशन या फिर मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस आफ्टर यूजिंग इनफिनिक स्मार्ट सिक्स प्लस अराउंड फोर्टी एट आवर्स कैसा लगा आपको ये वीडियो डेफिनेटली कॉमेंट करके बताना उसके साथ साथ फॉलो एंड टूड फेसबुक एंड शेयर यू ऑन इंस्टाग्राम विच इज इंस्टाग्राम सर डॉ फिफ्टी तो इस डिवाइस के बारे में और भी बहुत सारा वीडियो मेरे चैनल पर आने वाला है तो स्टेट फॉर दैट और अगर आप मेरे चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसी लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल वीडियो देखने के लिए तो इस वीडियो में अभी तक लेते है, हैं